हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये है मेरी क्लाइंट जिनका मैं आईब्रो नीचे से स्टार्ट कर चुकी हूँ। आप सब देख पा रहे हो, हल्के हल्के आईब्रो है वो मैं निकाल रही थी। बिल्कुल आराम आराम से इनका मैं आईब्रो बना रही थी, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ये आईब्रो इनका सेकेंड टाइम बना है जीवन में। पहली बार इन्होंने मुझसे आईब्रो बनवाया था, जो कि मैंने इनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरा मोबाइल टूट जाने की वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया। और ये इनका दूसरा बार थ्रेडिंग मैं ही कर रही हूँ। ये कभी भी आईब्रो नहीं बनवाई थी, तो आप सब देख पा रहे होंगे हल्के हल्के हाथों से मैं इनका थ्रेड आईब्रो बना रही हूँ। मेरा नीचे का कंप्लीट है, छोटे छोटे बाल है तो निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इनका आईब्रो हो चुका है नीचे का, थोड़े से पॉइंट के आईब्रो रह गए हैं, वही मैं निकाल रही हूँ। ये मैं ऊपर का बना रही हूँ। दोनों बनाने के बाद एक बार मैं चेक कर लूँगी इनका आईब्रो सही बना है या फिर कहीं बाल छोटे हैं, वो बनाने के बाद मैं चेक कर लेती हूँ। अक्सर शायद कभी कभी आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ बनाने का बाद का, तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये मेरी क्लाइंट का आईब्रो थोड़ा मोटा बनता है, इस वजह से मुझको ज़्यादा आईब्रो बनाना नहीं पड़ा था। हल्के हल्के बाल जो निकले थे वही मैंने क्लीन करा था। मैं ऊपर से अच्छे से शेप देती हूँ। इनको मोटा बनवाना था तो मैंने ऊपर से मोटा ही रखा, फिर नीचे से हल्का मैंने शेप दे दिया था। वो भी इनके ज़्यादा बाल अभी निकले नहीं थे आईब्रो के, तो बहुत जल्दी इनका आईब्रो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आप देख पाएँ। और मैं ऐसी ही वीडियो हर रोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये मेरा नीचे का थोड़े थोड़े बाल रह गए थे, वो सेफ में ला रही थी मैं, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। ये मैं कैंची की मदद से आईब्रो को सेव दे रही थी। और मैं ये हमेशा कॉर्नर पे ध्यान देती हूँ, कॉर्नर हमेशा लंबा रखती हूँ। किसी का भी आईब्रो आए कॉर्नर का बाल एकदम नहीं निकालती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लंबा रखें ताकि आपका आईब्रो देखने में भी अच्छा लगे, क्लाइंट को भी अच्छा लगे। ये मैं दूसरे थ्रेडिंग करने लगी हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने दूसरा थ्रेडिंग ऊपर से स्टार्ट कर दिया है। मैं ऊपर से थ्रेडिंग को सेफ दे रही थी, थोड़ा मोटा सेफ ही रखेंगे ऊपर का। ये मेरी क्लाइंट का आईब्रो मोटा बनता है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखूंगी हेयर इसमें। मेरी इन क्लाइंट का थ्रेड आईब्रो बनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सेकेंड टाइम आईब्रो इनका बना था। मैंने ऊपर का शेप दे दिया है, अब मैं नीचे का स्टार्ट कर चुकी हूँ। स्किन मैंने एकदम टाइट तरीके से पकड़वाया हुआ है। और हल्के हल्के हाथों से मैं हेयर को निकाल रही थी।
मैं एक एक बाल करके कैंची में फंसा के बाल को निकाल रही हूँ। मैंने थोड़े थोड़े करके सारे बाल निकाल दिए हैं, थोड़े से और रह गए हैं। अब एब्रो को शेप दे रही थी, एक्स्ट्रा बाल जितने थे वो सब मैं निकाल दी हूँ। अब मैं एब्रो को शेप दे रही थी। आप लोगों को मेरा ये एब्रो कैसा लगा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं एब्रो को शेप दे रही हूँ। मेरे पार्लर में वायरिंग का काम हो रहा है, लाइटिंग का काम हो रहा है, तो मैं अपने पार्लर में वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। मैं अलग अलग जगह पे शूट करती हूँ। इस बहुत जल्द अपने पार्लर का भी वीडियो मैं लाऊंगी, अपने पार्लर में क्लाइंट का आईब्रो बनाते हुए वीडियो मैं लाऊंगी। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरा थ्रेडिंग अब कंप्लीट है, थोड़े थोड़े बाल हैं, वही मैं शेप मिला रही थी। मैं कॉर्नर का काफ़ी ध्यान देती हूँ, मेरा कॉर्नर लंबा ही रहता है। आप सब मेरे क्लाइंट का आईब्रो देख पा रहे हो, आपको कैसा लगा मेरी क्लाइंट का आईब्रो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।